तो दोस्तों मैं आपको आज एलिप्स की मेथड के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो एलिप्स की आपकी चार मेथड होती हैं। फर्स्ट होती है आपकी जनरल मेथड, सेकंड होती है आपकी कंसेंट्रिक सर्किल मेथड, थर्ड होती है आपकी आर्क ऑफ सर्किल मेथड, या फिर इंटरसेक्टिंग आर्क मेथड, और लास्ट नंबर फोर आपकी होती है रेक्टेंगुलर मेथड। या फिर इसको हम बोलते हैं ओब्लॉन्ग मेथड। दोस्तों आपकी एलिप्स की चार मेथड है। फर्स्ट है आपकी जनरल मेथड, सेकंड है कंसेंट्रिक सर्कल मेथड, और थर्ड है आपकी आर्क ऑफ सर्कल मेथड, या इसे हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग आर्क मेथड। आपकी फोर्थ रहेगी रेक्टेंगुलर मेथड एंड ओब्लॉन्ग मेथड। तो मैं फर्स्ट आपको कराने जा रहा हूं जनरल मेथड, जिसका क्वेश्चन इस प्रकार से रहता है। तो दोस्तों आपका ये रहा क्वेश्चन जनरल मेथड का। कंस्ट्रक्ट एन एलिप्स व्हेन द डिस्टेंस ऑफ इट्स फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू 50 mm एंड एसेंट्रिसिटी इज 2/3। आल्सो ड्रॉ अ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द एलिप्स। तो दोस्तों आपका ये है क्वेश्चन, अब इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो कृपया करके आप ध्यान से देखो एक बार। दोस्तों आपने क्वेश्चन को पढ़ी लिया हुआ, क्वेश्चन में क्या गिवन था, आपको डायरेक्ट स्टिक से फोकस का डिस्टेंस दिया था, मतलब डी से फोकस का डिस्टेंस दिया था आपको 50 mm, एंड एसेंट्रिसिटी आपको गिवन था कितना 2/3। तो आपकी एसेंट्रिसिटी 2/3 मतलब कि वन से कम हुआ, मतलब एलिप्स बनाना है। वो किससे बनाना, जनरल मेथड से मैं बनाने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आप एसेंट्रिसिटी ड्रॉ करता हूँ। ये रही आपकी एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी को मैं डी, अरे सॉरी डायरेक्ट्रिक्स आपका डी से ड्रॉ करता हूँ। ये डी है, डी से अब यहाँ से कहीं से मिड पॉइंट से मैं एक इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ। इस प्रकार से अब दोस्तों इसका डायरेक्ट स्टिक आपका ये डायरेक्ट स्टिक का सेंटर ही है, यहां से फोकस दिया आपका 50 डिस्टेंस, तो मैं यहां से 5 सेंटीमीटर का एक आर्क लेता हूं, बट यहां से 5 यहां होगा, ये हो जाएगा आपका 5। अब आपको एसेंट्रिसिटी दी है, मतलब फोकस दिया आपको यहां से, आप 5 मुझे भी चाहिए। तो मैंने आपको जस्ट पहले वीडियो में क्या बताया था कि आपका जो 2 रहता है कहां से कहां का डिस्टेंस रहता है, हाँ एफ से लेके बी का डिस्टेंस 2 रहता है और बी से लेके थ्री का सी का डिस्टेंस 3 रहता है। तो इसके आप पहले 5 इक्वल पार्ट करो 1-1 सेंटीमीटर के, मैं यहाँ करता हूँ, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5। अब मुझे 2 चाहिए एफ से बी, क्योंकि आपका 2 दिया, तो एफ से 2 डिस्टेंस, मतलब 1, 2 आपका ए डिस्टेंस हो जाएगा बी, ये आपका यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है 2 है, और यहाँ से यहाँ तक 3 है, 1, 2, 3 हो जाएगा। ए आपका एसेंट्रिसिटी जनरल मेथड फॉर एलिप्स की। अब मैं इसको ड्रॉ करने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, बी से एफ का डिस्टेंस लेना है और इस प्रकार से आर्क ड्रॉ करना है, कर दिया। अब जो आपका आर्क है, अब बी से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इस प्रकार से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब आपका जो परपेंडिकुलर आर्क था जहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है, इस पॉइंट से मुझे इस प्रकार से सी से लाइन ड्रॉ करना है। अब मैं सी से लाइन ड्रॉ करता हूं इसकी, इस प्रकार से, ये हो गई। अब मुझे क्या करना है, बी से स्टार्ट करना है इक्वल पार्ट, जहां तक ले लो इक्वल पार्ट में शो करता हूं इसके, एक ले लिया, उतने इक्वल पार्ट करना आपको, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए इनका, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए 3, 4, और यहां आ जाएगा आपका
सिक्स यहाँ जाएगा आपका सेवन। सिमिलरली आपको नीचे भी करना है इस प्रकार से। ये हो गया दोस्तों, मैंने बी से इक्वल डिस्टेंस के इक्वल पार्ट किए। आपको नंबर देना है जिसको मैं वन देता हूँ, इसको जहाँ इंटरसेक्टर वन डैस देता हूँ, ए इसको टू देता हूँ, इसको टू डैस देता हूँ, इसको थ्री देता हूँ, इसको थ्री डैस देता हूँ, इसको फोर देता हूँ, इसको फोर डैस देता हूँ, इसको फाइव देता हूँ, इसको फाइव डैस देता हूँ, इसको सिक्स दिया इसको सिक्स डैस देता हूँ, इसको सेवन दिया इसको सेवन डैस देता हूँ। अब क्या करना है आपको, वन से वन डैस का डिस्टेंस लेना है और फोकस पे रखना है। कहाँ रखना है, फोकस पे। वन से वन डैस का डिस्टेंस लेना, फोकस पे रखना है और इसी लाइन पे लगाना है। ध्यान से सुनो, वन से वन डैस का डिस्टेंस लेना है, फोकस पे रखना है और इसी पे आर्क लगाना है। इतना डिस्टेंस लिया, फोकस पे रखा, आर्क लगा दिया ऊपर और नीचे। फिर टू से टू डैस का डिस्टेंस लेना है, कहां से, टू से टू डैस का डिस्टेंस लेना है इतना, फिर फोकस पे रखना, उसी लाइन पे ऊपर नीचे आर्क लगा देना है। फिर थ्री से थ्री का डिस्टेंस लेना है और फोकस पे रखना है, फिर उसी पे आर्क लगा देना है। इस प्रकार फोर पे फोर डैस का डिस्टेंस लेना है, फोकस पे रखना है और फोर वाली लाइन पे आर्क लगा देना है। फाइव से फाइव डैस का डिस्टेंस लेना है, फोकस पे रखना है और उसी लाइन पे आर्क लगाना है। फिर सिक्स से सिक्स डैस का डिस्टेंस लेना है और फोकस पे रखना है और उसी लाइन पे आर्क लगाना है। फिर सेवन से सेवन डैस का डिस्टेंस लेना है, फोकस पे रखना है और उसी लाइन पे आर्क लगाना है। ये आ गया। अब जो आपके आर्क आए इनको सबको आपस में रफली आपस में को मिला देना है इस प्रकार से। ये बन गया आपका एलिप्स। ध्यान देना दोस्तों, आपको ये जरूरी नहीं है कि मुझे इसके इक्वल पार्ट कितने करना है, आप कितने भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको सेवन नहीं करना, एट करना, नाइन करना है, जितने करना है आप कर सकते हो। ये आपका एलिप्स बन गया है। अब मुझे टेंजेंट नॉर्मल ड्रॉ करना था, तो टेंजेंट नॉर्मल ड्रॉ करने की प्रोसेस ये है कि आपको कोई भी एक पॉइंट लेना है, कहीं भी ले लिया। सपोज मैंने एक पॉइंट लिया पी, अब इस पी से मुझे फोकस पर एक लाइन ड्रॉ करना है, कहाँ से, जहाँ मैंने एक पॉइंट लिया। ऊपर भी ले सकते हो, नीचे भी ले सकते हो। पी से एफ को मिलाया, ध्यान देना है, पी से एफ को मिलाया। अब जो आपको पी और एफ है, ए लाइन है, इस पर मुझे 90 का एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ करना जो डायरेक्ट इसके ऊपर इंटरसेक्ट करेगी। ए 90 का एंगल बनाया जो डायरेक्ट को टच करती है, ये आपका 90 का एंगल होना चाहिए। इसके जो आपने प्योर एफ ड्रॉ किया था उसके 90 का एंगल होना चाहिए इस 90 में, इसका नाम दे रहा हूँ मैं टी। अब जो आपका ये पॉइंट आया है और ये वाला पॉइंट था, इसको आपस में मिला दो तो आपका टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा। इस प्रकार से इसको टच करता हुआ जाता है इस वाले पॉइंट के, आपका टेंजेंट हो जाता है। और नॉर्मल ड्रॉ करना है, जिससे जो आपकी लाइन टी और इसका नाम टी डैश, इस टी और टी डैश से 90 का कोण बनाते हैं, छोटी सी लाइन ड्रॉ करना जो यहाँ से 90 का कोण बनेगा चारों तरफ से। ये आपका होता है नॉर्मल, मतलब एन और डैश। दोस्तों ये था आपका जनरल मेथड और एलिप्स। धन्यवाद दोस्तों।